प्यार भरी सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सच्ची बात है यार, किसी ने कही है कि सपने खुली आंखों से देखो आपके जरूर साकार होते हैं। तो आज मेरे बहुत सारे सपनों में से एक सपना पूरा होने जा रहा है, जो वियतनाम का सबसे बड़ा आइकॉनिक ब्रिज है ना, हाथ के ऊपर आपने फोटो देखी होगी गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि हाथ के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। तो आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन ब्रिज। तो गोल्डन ब्रिज देखने के लिए आ रहे हैं। आज हमने अपनी मोटर बाइक रेंट पे ली है। मोटर बाइक की हमको कॉस्ट पड़ी है पूरी 1,50,000 रुपये। 1.5 लाख रुपया रेंट बना है, यानी कि इंडिया का 500 से 550 रुपया एक दिन के लिए रेंट के। और इसके अंदर हमने 50,000 का तेल डलवा लिया है, यानी कि कुछ कितने का, 200-250 के आसपास का हमने इसके अंदर पेट्रोल डलवा लिया है। और आज मैंने पहली बार हेलमेट पहना है यार, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना मेरे को। कलर भी इसका इतना ज़्यादा, मतलब वो है क्या कहते हैं, अच्छा है कि अपने को सूट कर रहा है। और अभी मैं देखने के लिए, इसे बोलते हैं बाना हिल्स, ये जो सारा एरिया है ना, ये बाना हिल्स का एरिया है। तो हिल्स का नाम है बाना, और जो इधर में गोल्डन ब्रिज बना हुआ है वो स्पेशलिटी है इसकी देखने के लिए। तो एक दिन का पूरे का अपना टूर रहेगा, 10 बजे टूर शुरू होगा, 5 बजे समाप्त होगा। तो चलते हैं, अभी मैंने इधर से जाना है कम से कम 10 किलोमीटर दूर सिटी से। तो चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं लेके उस ऊपर वाले का नाम, जब बोले कि चलो चलते हैं। यार बड़ी खुशी हो रही है, आज मेरा सपना एक पूरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ यार सच्ची। वाह यार, कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, देखो। ओ वाह, कुछ लोगों का सपना होगा ना मेरे जैसे, मतलब जो मेरे भाई मेरे को देखते हैं ना, उनका सपना होगा कि हमने भी ये चीज़ देखनी थी। बट कोई बात नहीं, फिक्र मत करो यार, आपका भाई आपको लेके जा रहा ना, आप घर बैठ के देखो। ये वीडियो मैं थोड़ी सी लंबी बनाने वाला हूँ, कम से कम 30-35 या 40 मिनट की बनेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। और भाई टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ गए ना, भर भर के एक दूसरे के बीच बज रहे हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द आइकॉनिक पॉइंट है भाई। आए खुशी देख रहे हो मतलब चेहरे पे, और इतनी ज़्यादा खुशी है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अपना सपना पूरा होने वाला है आज। वाह यार, ठीक है, और सामने लाइन में लगते हैं, उधर से अपनी टिकट है जो बाय करते हैं हम, एंड देन फिर निकलते हैं पहली फुर्सत में इधर से आगे की ओर। वाह यार, 8,50,000 की इन्होंने एक टिकट दी है विदाउट फूड, अगर विद फूड के साथ लेते हैं 1,01,090,000 की बन जाती है। ओके, तो ऐसी है ना, मतलब अमाउंट्स को देखकर दिल धड़काने लग जाता है यार, कि लोगों के 1-1 लाख, मतलब एक साल के पैकेज होते हैं इतने इतने, और हम एक दिन में इतने उड़ा रहे हैं। बट फिर बाद में एहसास होता है कि यार मनी तो गलत कंट्री में आ गया, जहाँ पर तेरी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 5 PM क्लोज, ओके, ओके, देन गो अप, देन सी एवरीथिंग, यू कैन गिव मी द मैप। बाद में एहसास होता है कि मनी तेरी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हमने टिकट बाय कर लिया, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 8,50,000 रुपये, इंडियन में 3,000 बनती है ये। ओके थैंक यू। खाना हमने लिया नहीं यार, खाना 2 लाख का ज़्यादा दे रहे थे, मतलब वो इंडिया का कितना बन गया, 1,000 रुपये ज़्यादा दे रहे थे, उसमें अनलिमिटेड फूड था, तो मैंने लिया नहीं। मैं कहा छोड़ यार, खाना पीना किसने खाना है, खाली देख के हम नीचे आके खा लेंगे, इतना एक्सपेंसिव हम खा कर क्या करेंगे। तो फाइनली हमने टिकट बाय कर लिया और हमने मैप भी ले लिया है, तो देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें इधर में एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलो चलते हैं। ओ भाई साहब, देखो कितनी बड़ी बड़ी गलरी है यार। फाइनली आपका भाई आ चुका है केबल कार में, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन स्टॉपेबल केबल कार है इधर में, और 5-6 किलोमीटर की ये जर्नी है जो तय करती है, और बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। नीचे देखो जंगली जंगल है भाई। अब मैं अपनी बकबक बंद करता हूँ और आपको सिनेमैटिक शॉट भी आता हूँ यार। Thank you.
नीचे देख कर ना ऐसा अंदाजा होता है कि भाई गिर गया तो कोई पैर नहीं बचेगा, कोई बाह नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, चूर चूर हो जाएगा सब कुछ। बड़े यार मतलब ना डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी यार। जो बेचारा दिल का मरीज होगा या छोटे दिल वाला होगा ना बेचारा, वो तो पड़ाक हो जाएगा उसका तो यार। ओ वाओ कितना ज्यादा खूबसूरत है यार। बड़ी अपने इंडिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है यार सच्ची। लद्दाख जो कश्मीर के पहाड़ है ना उनकी अलग ही कुछ महक है, अलग ही एहसास है, इनका कुछ नहीं है यार। वाओ एक अलग सा ही देश है यार, कितनी ज्यादा सुंदरता है यार इधर में। ओ ऐसा वाओ यार वाओ सच में मेरा मुंह खुला का खुला ही रह रहा है यार। क्या ये सच है? सच जो सपना देखा था क्या ये सच है? दुल्के चुदा लो दुल्के। हाँ ओके। ओह भाई साहब। वाव यार। मन भर के ना घूरने का मन कर रहा है, इसको देखता जाऊं देखता जाऊं। कभी नहीं सोचा था यार कि इधर में आने का मौका मिलेगा और हम फाइनली इधर पहुंच गए यार। वाओ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, कितने ज्यादा लोग हैं भाई इधर में, टूरिस्टी पे टूरिस्टी है सब जगह। एक प्लेस खाली पता नहीं कब। फाइनली जनाब वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली ये देखो यार कितनी बड़ा हाथ बना हुआ है इसका। ये ना वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रिज है इधर का, गोल्डन ब्रिज इसे बोला जाता है। और दूर से दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा होगा, इधर में टोटल दो है और पूरा हाथ बना हुआ है यार। कैसी शेप में है ना, इधर में अंगूठा, इधर में चार उंगली बनी हुई है, ऐसे हाथ में उठाया हुआ है यार ये ब्रिज। वाओ इनक्रेडिबल। बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार सच्ची। एक सपना अपने साकार हो गया, अपना एक सपना ना पूरा हो गया यार। बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और जो नीचे भाई साहब नज़ारा दिखाई देता ना, वाओ क्या ही बोलूँ यार। अभी इसको देखकर ना मेरी बोलती बंद हो गई, इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। वाह यार, और नीचे का जो नज़ारा है वाह यार। बढ़िया ना, एक खूबसूरत सी चीज़ बनाई हुई है, अनोखी सी इन्होंने। और ये किसी ना गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा, ये इनकी प्राइवेट कंपनी है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। बट वर्थ इट है यार टोटल विजिट करना है ना। आपको वो नहीं होगा क्या कहते हैं, मतलब फील नहीं होगा कि आपने इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए ना। ये वन ऑफ द आइकॉनिक चीज़ है और सभी का मतलब एक ड्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो ना, वो होता है कि हमने विजिट करना है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं यार। जैसे कि ये देखो डिज्नीलैंड सा बना हुआ है ना, कि डिज्नीलैंड मिल जाता है। और ये देखो क्या क्या चीज़ें हैं यार, वाह। और अभी वो सामने जाएंगे, वो सामने पूरा ना डिज्नीलैंड ही बना हुआ है, तो उधर वाली साइड जाएंगे अभी हम। दो
तो जनाब इधर में ना घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अंदर की अंदर है ना पता नहीं लगता क्या कुछ बना हुआ है यार। देखो कितना ना खूबसूरत सा इधर में गार्डन बना हुआ है यार, बड़ा ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और अपने को अपनी एक नई फ्रेंड मिली है, सो हेलो, से हेलो टू कैमरा। व्हाट्स योर नेम? नताशा। वेयर आर यू फ्रॉम? जर्मनी। ओके, तो ये अपनी न्यू फ्रेंड है, तो इनके साथ ही अभी हम सारा घूम रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा मालूम था तो सोचा हम इनके साथ ही चलते चलेंगे। और देखो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, ऐसे ही लग रहा है कि बंदा कौन सी और किसी अलग दुनिया के अंदर आ गया है यार। वाओ, टन टन। पहले जी भर के इसको देख लो यार, क्या बात है भाई साहब। आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है यार यूरोप के अंदर, यूरोप फ्रांस के अंदर आ चुके हम। यो रिच किड इन द टाउन। बट फाइनली यार वियतनाम के अंदर है ना ये एक थीम पार्क बनाया हुआ है इन्होंने बाना हिल्स के अंदर, जो प्रॉपर यूरोप की लुक देता है और उनकी बिल्डिंग्स भी प्रॉपर यूरोप की तरह ही बनाई हुई हैं। तो देख सकते हैं यार कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, और देखो इन्होंने विंटेज कार्स कैसे सजा के रखी हुई है यार, वाओ क्या बात है। लग रही है ना हूबहू कॉपी डिज्नीलैंड की, प्रॉपर डिज्नीलैंड की कॉपी लग रही है यार ये। वाओ यार सच में मेरे को आज बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने गलती कर दी या कुछ कर दिया, बट जितने पैसे लगाए हैं ना पूरे वर्थ इट है भाई, पूरा देखने वाला है यार। देखो वाओ पूरी विंटेज कार, पुराने पुराने जमाने की ना इन्होंने ऐसी लगा रखी है। वो देखो मोटरसाइकिल यार, वाओ ब्यूटीफुल ब्रो, ब्यूटीफुल। इसे बोलते हैं यार असली कुदरत, असली चीज बनाई हुई है ना किसी ने। वाओ यार क्या बोलूं मैं ना, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे यार। और इधर में अगर खाने की बात करें ना भाई, खाना पीना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सच में। अभी मेरे को ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने आना था ना तो बुफे इंक्लूड करके आना था, बट अभी मैं जा रहा हूँ बुफे की तरफ, मैं उधर पे कर दूंगा पैसे और उधर से खा लूँगा, क्योंकि इधर में भी खाने के लिए ना एक एक डिश आपको लाख लाख रुपये की मिल रही है, तो उससे अच्छा हम बुफे खाएँगे, पेट भर के खा तो लेंगे कम से कम यार। तो चलते हैं बुफे की और फिर आपको ये सारा यूरोप घुमाता हूँ यार, बहुत बड़ा टाउन है ये, सारा टाउन हम घूमते हैं। वो कुछ स्टार्ट हो गया इधर में, हम पहले वो देखते हैं यार, खाना पीना बाद में खाएंगे, पहले देखते हैं। भागो शुरू हो गया यार इधर में, और मैंने खाने का पता किया यार इधर में खाना वो दे नहीं रहे, बोले नीचे से टिकट लेके आनी पड़ेगी। मैं कहा नीचे नहीं, अभी मैं जाऊंगा इधर से ही घूम लेते हैं, कोई बात नहीं हम बाद में खाना पीना खा लेंगे अपना। और कुछ इस तरह का यार, देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये। वाओ यार, ए यस्टरडे आई सी यू, हे हाउ आर यू। वाह यार कल मिले थे, पता नहीं जो गोल्डन ब्रिज पे और ब्रिज पे गया था ना उधर ही कोई साइड मिले थे। अभी ये ना हल्का हल्का सा फॉगी होना शुरू हो गया है, बस डर है कि रेन ना हो जाए इधर, बाकी हम संभाल लेंगे सब कुछ यार। और सामने देखो भाई आपका यूरोप के अंदर फिर रहा है भाई, वाओ क्या बात है यार, बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ा ही ज़्यादा अनोखा। देखो टूरिस्ट ही टूरिस्ट आए हुए हैं यार इधर में।
मेरे पीछे वाली जनाब साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इधर में बनी हुई है पुरानी सी एक चर्च बनी हुई है, टेंपल काइंड ऑफ थिंग है। पता नहीं इसके अंदर रेस्टोरेंट है यार, मैं गया नहीं वैसे अंदर। अभी हम चक्कर लगा रहे हैं इन यूरोप की गलियों का, और ये इधर में एक चर्च बनी हुई है तो अंदर हम जाकर भी देख सकते हैं। तो पहले आपको चर्च दिखा देता हूँ कि यूरोप की चर्च कैसी होती है, कैसी इन्होंने बनाई हुई है। वाह यार बड़ी खूबसूरत है, सही है। छोटी सी एक चर्च बनी हुई है, जैसे जैसे ना मतलब समय ढलता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे को लगा था इस समय तक भीड़ कम हो जाएगी, बट शाम के ऑलरेडी है ना 3 बजने को आ गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलो आपको गलियां घुमाते हैं हम यूरोप की यार। कहीं भी देख लो ना, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है हर एक के अंदर आपको बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट है जो दिखाई दे देगा। और खाने पीने की चीज़ें भाई इधर में तौबा तौबा, कानों पे हाथ लगा देती है, इतनी ज़्यादा महंगी हैं। जितने के मेरे पास पैसे थे ना सारे इधर ख़त्म हो गए, क्योंकि 7.5-8 लाख 8.5-8 लाख की तो उन्होंने टिकट दी और 2 लाख का हमने ये खा लिया। टोटल अपने पास 1 मिलियन था, एक दिन में उड़ा दिया यार वो। वाह यार सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए हमने। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे चीज़ें और देखने के लिए मिल रही हैं, और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है हमें भाई। इधर में तो यार यही बस बिल्डिंग्स, ये आर्किटेक्चर एक तरह का है ना, क्या बोल सकते हैं हम, थीम पार्क बोल सकते हैं कि थीम पार्क बनाया हुआ है, या कुछ और भी बोल सकते हैं पता नहीं मेरे को, बट अच्छा लग रहा है यार देखने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर इधर आने की बात की जाए कि आपको इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, तो थोड़ी सी उसकी अभी डिस्कस कर लेते हैं। इधर में आना टोटली फाइन है, वर्थ इट है, मतलब आपको आना चाहिए। पैसे ज़रूर आपके ज़्यादा लगेंगे बट खैर आना चाहिए आपको। और आपको सबसे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा कि आप है ना मोटर बाइक अपनी रेंट पे लेकर आओ, सबसे ज़्यादा मज़ा है। और सुबह इधर में 8 बजे ये ओपनिंग खुलता है गेट इसका, 8 बजे आप गेट पर आ जाओ। और फूड इसमें इंक्लूड लेकर आना, इस बार मैंने फूड नहीं लिया था, तभी मैंने मेरे को 8.50 का पिया था, अगर आप फूड लेते तो 1.50 का पड़ जाता है ना, तो 2 लाख के आसपास ही पड़ता, उतने का मैंने इधर खा लिया, बराबरी पहुंच गया वो। तो फूड इंक्लूड वाला लेना, बूफे मिलता है अनलिमिटेड फूड उधर में, खाओ पेट भर के, वो सही रहेगा। एंड घूमना टोटली वर्थ इट है यार, रेंट मोटर बाइक लेकर आओ। और मेन सिटी से ये कम से कम 30 किलोमीटर दूर है, तो आधा घंटा 1 घंटा मान के चलो बाइक के ऊपर, अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया तो। तो चलते हैं अभी ऊपर में, एक शायद व्यू बना हुआ है, व्यू पॉइंट बना हुआ है। बाकी जो इन्होंने चीज़ें लगाई हुई है ना यार, हर एक मतलब बड़ी ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही पूरी सोच समझ के हर जगह पे रखी हुई है यार। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना ये एक पगोड़ा बना हुआ है, इसके बीच ना बुद्धा जी की अलग अलग तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं, पता नहीं बुद्धा जी हैं पता नहीं मतलब कौन है मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी खूबसूरत सी है ना मूर्तियां हैं इसके अंदर, जो देखने में ना बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। तो देखो तो फुली है ना सारी मार्बल की बनाई हुई है, हर एक मतलब हर एक जो मूर्ति है अलग अलग चीज़ दर्शा रही है ना, तो कोई कोई किस पोजीशन में बैठे हैं, कोई किस पोजीशन के अंदर बैठे हैं, कोई किस के है ना। और जो भाई ऊपर से व्यू दिखता है ना, वाह वो तो पूरा पैसे वसूली है। इस तरफ ना इन्होंने मार्क लगाया हुआ है कि फ्रेंच विलेज बना हुआ है कुछ, तो बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, इमारतें इनकी देखने के लायक है यार। वाह मतलब इतना अच्छा, इतना ज़्यादा सुंदर होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अगेन हर जगह पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ना आपको रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स मिलेंगे,
तो सामने एक विलेज काइंड ऑफ थिंग कोई थीम एरिया बनाया हुआ है ना, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स। इधर वाली साइड है ना कुछ, ये अपना नाच गाना कर रहे हैं। और हमने ऑलमोस्ट यार ये सारा स्टूडियो जो बना हुआ है, जो चीज़ें सारा घूम लिया है, और एक बार फिर दोबारा हम वो रोलिंग स्लाइड के ना चक्कर लेने चलते हैं दोबारा। बड़ा दिल कर रहा है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो, इसके टिकट के साथ इंक्लूड है। तो एक बार फिर हम दोबारा मज़े करते हैं। अभी तो वो खाली होगी होगी, तो खाली में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि अभी टाइम भी होने को आ गया, 5 बजे ये बंद हो जाएगा लास्ट। तो अभी अपने पास बज गए हैं 4 बज गए हैं, तो हमें 5 बजे इधर से निकलना है। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट ना सारी दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि टाइम हो गया है इनका जाने का। ये जो आपको अभी दिखाई दे रही है ना ये चेयर्स, ये सारी नीचे जाएंगी और कुछ इस तरह से चक्कर लगाएंगी। मेरे को पता नहीं है यार, आई एम नॉट श्योर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट, बट हाँ करना है यार, ये करके देखनी है चीज़। तो लेट्स सी कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस जाता है अपना। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। आई एम नर्वस ऑल्सो, आर यू नर्वस? नो। इन्होंने पहले किया हुआ है, मैंने नहीं किया। दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज योर सेकेंड टाइम। लेट्स सी। ओके, तो आपका भाई रेडी हो चुका है जाने के लिए। ओके ओके, भाई आपके भाई ने ना पूरा एंजॉय किया यार, मज़ा आ गया, क्या बात है। पता लगा कि कुछ हमने एंजॉय किया यार, कुछ चीज़ देखी है। वाह यार क्या बात है, वाह। ये छोटी छोटी सी ना ये थी चलने वाली, पर बड़ा नज़ारा है यार। ब्रो आई रियली एंजॉयड अ लॉट, कैन आई टेक वन मोर? ओह गो बैक, कम अगेन। ओके एक और लेते हैं, थैंक यू सो मच। Yeah. Did you enjoy it? Oh. Okay. I enjoyed a lot. I heard you. Bada mazaa aaya yaar. आपका भाई है ना फाइनली वो करके आ चुका है, बड़ा ज्यादा नज़ारा आया यार सच्ची। अपने ना डर दूर हो गए, जो मैं सोचता हूँ ना कि यार मतलब इससे डर लगता है, मैं कर भी लेता हूँ फिर भी वो अपना डर डर भाग जाता है यार। फाइनली अभी हम इधर से चले हैं क्योंकि 4:45 हो गए हैं और इधर में 5 बजे लास्ट केबल जाती है ना, तो क्लोज हो जाएगा। तो एक बार लास्ट बार इसके दर्शन करते हैं। ये छोटू से पिद्दू से यूरोप के तो हमने देख लिया, तो अभी चलते हैं केबल कार लेके वापस। बाय 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 बाय। कुछ भी नहीं है ना पीछे दिखाई दे रहा यार, इतना ज्यादा धुंधला हो गया सब कुछ। ओ यार देखो यार, ओ पहली बार वियतनाम के अंदर ना हमको धुंध देखने के लिए मिली, धुंध हो रखी है यार। बाकी फाइनली आपके भाई ने यार आज पूरा एंजॉय किया सच्ची। आज मेरे को लगा कि मैं अपनी जिंदगी जीकर जा रहा हूँ, आज मैंने अपना दिन बनाया है सच्ची। आज मैं वीडियो के लिए नहीं गया था, स्पेशली अपने आप के लिए गया था क्योंकि शायद आपका भी ये सपना हो, मेरा तो था कि मैंने ये कभी ना कभी देखना है, बट पता नहीं था कि इतनी जल्दी मैं देख पाऊंगा। और सच बताऊं जब तक मैं ना हो ची मिन्ह में था, इसकी जो सिटी में था मेन, जब मैं वियतनाम में एंटर हुआ था, मेरे को पता भी नहीं था कि ये ब्रिज इधर में देखने के लिए है। बट फाइनली जब मैं रिसर्च कर रहा था कि दनांग के अंदर क्या कुछ देखने के लिए है, हनोई के अंदर क्या कुछ देखने के लिए, तो जाकर फिर पता लगा जनाब के अच्छा अपना सपना पूरा होने वाला है भाई। सच्ची बहुत ज्यादा खुशी थी। और फाइनली आपका भाई चला है वापस और चलते हैं।